हेलो क्लास टेंथ स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी फर्स्ट फ्लाइट बुक का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़ेंगे। ये चैप्टर नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है और इस ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने अपने जीवन के बारे में कुछ जो आज़ादी के समय के क्षण थे जब उन्होंने डेमोक्रेटिक अफ्रीकन प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली थी, तो उसकी कुछ यादों को इसमें लिखा है। तो हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। अपार्थाइड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्थाइड एक ऐसा शब्द होता है, एक ऐसा पॉलिटिकल टर्म्स है जिसमें जाति के आधार पर लोग एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अनटिल वेरी रिसेंटली। क्या आप बता सकते हो कि कौन से ऐसे देश हैं जिनमें यह पॉलिटिकल सिस्टम व्याप्त था इन तीनों देशों में से? तो यह साउथ अफ्रीका था। हैव यू हेयर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के बारे में। स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड, जिन्होंने अपार्थाइड के विरुद्ध एक लंबे समय तक लड़ाई लड़ी है। मंडेला हैड स्पेंट 30 years इन प्रिजन, मंडेला ने अपने जीवन के 30 साल जेल में बिताए हैं। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, और अंत में 1994 में दक्षिण अफ्रीका में प्रजातांत्रिक इलेक्शन हुए। एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशंस, और मंडेला जो हैं वो इस नए राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति बने, अश्वेत राष्ट्रपति बने। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस हिज ऑटोबायोग्राफी, इस उद्घरण में मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसमें से कुछ चीज़ें उद्घृत की गई हैं। तो हम लोग देखते हैं, मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकन फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है। ये बीबीसी लंदन ने उस दिन न्यूज़ निकाली थी कि मंडेला जो दक्षिण अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने, तो ये उस न्यूज़ का हिस्सा है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम द साउथ अफ्रीकन फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल, करीबन 300 साल तक गोरो लोगों के शासन के बाद। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मिस्टर मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वोन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री। दक्षिणी अफ्रीका के इतिहास में पहले प्रजातांत्रिक इलेक्शन में इनकी पार्टी ने, यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 400 सीटों में से 252 सीटें जीती हैं। द इनोग्रेशन सेरेमनी टू प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग MP थिएटर इन प्रिटोरियो टुडे, जो शपथ ग्रहण समारोह है यो यूनियन बिल्डिंग के MP थिएटर में प्रिटोरियो में आज आयोजित होगा, अटेंडेड बाय द पॉलिटिशियन एंड डिग्नेटरीज, जिसमें बहुत से राजनीतिक और प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित होंगे। मोर देन 140 centuries अराउंड द वर्ल्ड, करीबन एक संसार के 140 देशों से। नेवर एंड नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर, आगे कभी भी इस सुंदर धरती पर एक व्यक्ति के द्वारा कभी दूसरे पर अत्याचार को देखने को नहीं मिलेगा, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, नेल्सन मंडेला ने अपने संबोधन में कहा है। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड बाय द सेरेमनी विद ब्लैक्स व्हाइट्स एंड कलर्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर, इस खुशी के दृश्य में प्रिटोरिया की गलियों में हजारों काले, गोरे और अश्वेत लोग एक साथ मिलकर आनंद मना रहे हैं। मोर देन 1 lakh साउथ अफ्रीकन मैन, 1 lakh से ज़्यादा दक्षिणी अफ्रीकी पुरुष, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस्ड विद जॉय, पुरुष स्त्री और बच्चे हर जाति के गा रहे हैं और आनंद से नाच रहे हैं। तो ये न्यूज़ में, BBC न्यूज़ में निकला था, वो है। अब यहाँ से ऑटोबायोग्राफी शुरू होगी इनकी। 10th May डॉन ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई का सुबह जो थी या शुरुआत जो दिन की थी बहुत बिल्कुल साफ और स्पष्ट वातावरण से हुई थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लीजेंटली विसिस्ड बाई डिग्निटीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हुआर कमिंग टू पे दियर रिस्पेक्ट बिफोर द इनग्रेशंस, पिछले कुछ दिनों से मैंने प्रतिष्ठित और वर्ल्ड के लीडरों के बीच में अपना समय बिताया था। हु आर कमिंग टू पे दियर रिस्पेक्ट, जो अपना सम्मान प्रदर्शित करने आए हुए थे बिफोर द इनग्रेशन, मैंने शपथ ग्रहण समारोह से।
द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, शपथ ग्रहण समारोह था उसमें बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी या बहुत लोग उपस्थित हुए थे। एवर द इंटरनेशनल लीडर्स इन साउथ अफ्रीकन सोल, दक्षिणी अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंड स्टोन एमपी थिएटर, ये जो समारोह है एक सुंदर सैंड स्टोन के बने हुए एमपी थिएटर में आयोजित होता है। एमपी थिएटर एक गोल बिल्डिंग होती है, हॉल होता है जिसपे छत नहीं होती है। फॉर्म बाई द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरियो, जो प्रिटोरियो की यूनियन बिल्डिंग में बनी हुई है। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, दशकों तक इस स्थान पर गोरे लोगों का प्रतिनिधित्व रहा है या उनकी सुप्रीमेसी रही है। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेसियल गवर्नमेंट। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग, और यहाँ पर अब विभिन्न देशों के लोग, अलग अलग रंगों के, अलग अलग राष्ट्रों के, दक्षिणी अफ्रीका की पहली बार डेमोक्रेसी की जो नॉन रेसियल गवर्नमेंट है स्थापित होने में उपस्थित होने आए हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे, इस बसंत के दिन, आई वॉज एकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी, मैं अपनी पुत्री जेनानी के साथ था। ऑन द पोडियम स्टेज पे मिस्टर डी क्लार्क वॉज द फर्स्ट सॉन्ग इन सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, दो डिप्टी प्रेसिडेंट में से जो दूसरे प्रेसिडेंट है मिस्टर डी क्लार्क, उन्होंने शपथ ली। देन थोबो मोबकी वॉज सॉन्ग इन एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, तब थोबो मोबकी ने जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे उन्होंने शपथ ली। When it was my turn, जब मेरी बारी आई राष्ट्रपति के रूप में, I pledged to obey, मैंने शपथ ली, आज्ञा पालन की। Uphold मैंने रक्षा की, the constitution मैंने संविधान की, मैंने संविधान की रक्षा की और उसके पालन की शपथ ली। And to do it myself to well-being of the republic and its peoples, और मैंने ये भी शपथ ली कि मैं अपने आप को इस प्रजातंत्र और इस देश के लोगों की अच्छाई के लिए अपने आप को समर्पित करूँगा। To the assembled guest and the watching world I said, मैंने दुनिया के उपस्थित मेहमानों और के बीच में शपथ ली। आई सेड, मैंने कहा। टुडे ऑल आपस, आज हम में से सभी लोग, आप और प्रेजेंस हेयर, आपकी उपस्थिति में कन्फर्म मैंने देता हूँ ग्लोरी एंड होप, यस और सम्मान टू न्यू बॉर्न लिबर्टीज, नए जन्म लिए हुए स्वतंत्र देश को। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, हम लोगों ने असाधारण मानव आपदा का अनुभव किया है। दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत लंबे समय से चला है, यानी 300 साल तक तो चला है। मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटीज, उसमें एक ऐसे समाज का जन्म हुआ है विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड, और अब एक ऐसे समाज का जन्म होगा जिस पर सारी मानव जाति को गर्व होगा। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, अब हम लोग गैरकानूनी जीवन बहुत लंबे समय तक नहीं जियेंगे। हैव टूडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज बी होस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ आवर सोल, हैव टूडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, हमने एक असाधारण सम्मान दिया है टू होस्ट अपने मेहमानों को, टू द नेशंस जो ऑफ द वर्ल्ड, जो वर्ष संसार के राष्ट्रों से आए हैं, ऑन आवर सोल, हमारी धरती पर। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स, हम अपने सभी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को धन्यवाद देते हैं फॉर हैविंग टू टेक पोजेशंस विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे देश के लोगों के साथ शामिल होने के लिए आए हैं। अब वॉट इज़ आफ्टर ऑल कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, क्योंकि हम लोग अब समान न्याय पर विजय पाएंगे, शांति पर एंड ह्यूमन डिग्निटी पर। वी हैव एट लास्ट अचीव अवर पोलिटिकल इमेंसिपेशन, हम लोगों ने अंत में अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता पा ली है। वी प्लेस्ड, हम शपथ लेते हैं वर्सल टू लिबरेट ऑल अवर पीपल, कि हम सभी लोगों को मुक्त करेंगे फ्रॉम कंटिन्यूड बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, निरंतर व्याप्त गरीबी से, डिप्रेशन अभाव से, सफरिंग कष्टों से, जेंडर माने जाति के लिंगों के भेदभाव से, अनदर डिस्क्रिप्शन और दूसरे भेदभावों से। नेवर एंड नेवर अगेन सेल इट बी द ब्यूटीफुल लैंड विल गेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन एंड अदर, और फिर ये वह लाइन आती है कि कभी और कभी नहीं इस सुंदर धरती पर अब कोई दोबारा एक जाति के लोग दूसरी जात पर अपना प्रभाव जमाएंगे। द सन सेल नेवर सेट इन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट्स, इस शानदार मानव उपलब्धि का सन कभी, सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, यहाँ पर आज़ादी राज्य करेगी, भगवान अफ्रीका को लंबी आयु दे। तो ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।